जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। राधा और गुनगुन भी तो यही चाहते हैं ना कि मैं हमेशा खुश रहूं। हाँ बेटा, हम कहाँ मना कर रहे हैं इस बात को, लेकिन क्या करें, इस बार दोनों का दिमाग भी तो सही नहीं चल रहा। बेटा क्या सही है क्या गलत है वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, एक बार ये शादी हो जाए तो हम मिलकर दोनों को संभाल लेंगे। चलो मुस्कुरा दो, आज शादी है मेरे बेटे की। जब तुम मुझे रेडी करती हो तो तुम भी यही करती हो ना, तो मैंने भी यही किया। ऐसा करने से किसी की बुरी नजर नहीं लगती। मैं इतनी हैप्पी हूं पर पता नहीं टीयर्स क्यों आ रहे हैं। इन्हें खुशी के आंसू कहते हैं। ओ हाँ, दादी ने मुझे बताया था ये हैप्पीनेस के टीयर्स होते हैं। बोल जी। सांसों के किसी एक मोड़ पर मिली थी तू जिंदगी मेरी दोस्त बन। सांप के काटने से गुंडों के मारने से बच गया, शायद अगली बार मैं बच ना पाऊं। तो बात मान कर तेरा हाथ थाम कर तुझे साथ ही चुन के मैं किस मंजिल
किन राहों पे लाए है समझ पाऊं। आपने हमारी और गुनगुन की जान बचा ली। इस बार आप जीते हैं और किस्मत आ रही है। जो ना मंजूर है मुझको वही मंजूर है तुझको समझ पाऊं ना मैं तुझको ना तू मुझको। आई गई। क्या हुआ? चले दुल्हन को लाने। आई लव यू राधा। मैं बस अभी है। हम खुद अपनी बिटिया को नीचे लेकर आते हैं ना, तुम जाओ। देखो मासी, मुझे तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है दामिनी को नीचे लेकर जाने में। मेरा बस चले ना तो मैं उसे रूम में ही लॉक कर दूँ। पर वो क्या है ना, मम्मा ने मुझे कहा है कि दामिनी को नीचे लेकर आओ, इसीलिए लेकर तो जाना पड़ेगा ना। चले अगर ये लोग कमरे के अंदर गए और राधा को देख लिया तो हमारे खेल की पूरी लुटिया ही डूब जाएगी। कावेरी दादी तो एक सेकंड में पहचान जाएंगी कि दामिनी नहीं है। हाँ गुनगुन, कावेरी मासी का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है, वो समझ जाएंगी। क्या करे? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।